everyone. Good morning. How are you? Fine? Okay. Now, today we learn new poem. Okay? Hindi poem. New Hindi poem. जो आपके बुक में मन टू बुक में लास्ट पेज पे ओके लुक हियर लास्ट पेज पे है मन टू बुक में ओके सो लेट्स स्टार्ट एंड व्हाट इज आवर न्यू पोएम नेम हिंदी पोएम नेम अपनी नाव नाव मींस बोट ओके नाव मींस बोट तो आज हम क्या करेंगे न्यू पोएम सीखेंगे सो लेट्स स्टार्ट जल्दी जल्दी दौड़े आओ जल्दी जल्दी दौड़े आओ रंग बिरंगी कागज लाओ रंग बिरंगी कागज लाओ सुंदर सी एक नाव बनाकर सुंदर सी एक नाव बनाकर मिलजुल कर उसको तैरा मिलजुल कर उसको तैरा खूब तेज चलती ये नाव खूब तेज चलती ये नाव कभी न थकती अपनी ना कभी न थकती अपनी ना आगे आगे बढ़ती जाती आगे आगे बढ़ती जाती पार हमें ले जाती ना पार हमें ले जाती ना वेरी गुड यू लाइक दिस पोएम आपको सबको पसंद आई पोएम हिंदी पोएम पसंद आई ओके तो आपको क्या करना है ये डेली रिवाइज करनी है जो हमारे मन टू लास्ट पेज पे थे और लास्ट वीक पर हमने कौन सी पोएम सीखी थी सड़क बनी है लंबी चौड़ी तो एक बार रिवीजन करेंगे ओके सड़क बनी है लंबी चौड़ी सड़क बनी है लंबी चौड़ी उस पर जाती मोटर दौड़ी उस पर जाती मोटर भैया पटरी पर से जाना भैया पटरी पर से जाना बीच सड़क पे कभी न आना बीच सड़क पे कभी न जाओगे तो दब जाओगे जाओगे तो दब जाओगे चूरन चटनी बन जाओगे चूरन चटनी बन जाओ घर तक नहीं पहुंच पाओगे घर तक नहीं पहुंच पाओ चोट लगेगी पछताओगे चोट लगेगी पछताओगे वेरी गुड गुड तो ये आपको लर्न करनी है जो इंग्लिश पोएम के साथ हिंदी भी पोएम है ये तो आपको लर्न करनी है ओके नाउ टुडे वी लर्न डे 13 डे 13 पे क्या है यहाँ पे क्राफ्ट है मैस्टिक स्टिकी जो हमने लास्ट थर्सडे को क्राफ्ट लिया है ओके सो टर्न द पेज पेज टर्न करो Look here. Today we learn new letter, letter K. Letter K. Okay? So repeat after me. K for kite. K for kite. K for king. K for king. K for key. K for key. और क्या रहता है? K for kangaroo. K for Kitchens और क्या रहता है K for kite ओके तो one more time ओके K for kite K for king K for key and K for kangaroo so यहाँ पे क्या करना है हमको letter K लिखना है ओके तो कैसे लिखते हैं how to write letter K कैसे लिखना है K तो यहाँ पे हमको डॉट दिए जो सिर्फ डॉट को ज्वाइन करना है ओके स्लोली 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 डॉट को क्या करना है ज्वाइन द डॉट्स एंड राइट द लेटर के ओके नाउ लुक एट द बोर्ड लुक हियर डे 13 वन टू बुक डे 13 लेटर के के फॉर काइट K for key, K for key. And now, look here. How to write letter K? How to write letter K? तो यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है बुक में डॉट दिए तो हमको क्या करना है सिर्फ डॉट को ज्वाइन करना है
तो फर्स्ट लाइन ही ना जो डॉट को ज्वाइन करना है, ओके, स्लोली स्लोली डॉट को ज्वाइन करके ये क्या हो रहा है, स्टैंडिंग लाइन हो रही है, ओके। एंड सेकंड डॉट कहाँ पे है, रेड लाइन टू ब्लू लाइन, स्लैंडिंग लाइन पोजीशन में, देखो यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेटर के होगा, ओके। और सेकंड स्लैंड लाइन ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन, यहाँ पे दो स्लैंडिंग लाइन है, हमने लास्ट टाइम एक ही स्लैंडिंग लाइन से की थी ना, तो यहाँ पे टू स्लैंडिंग लाइन है, स्लो स्मॉल स्मॉल, ओके। तो लुक हियर, join the dots, letters K, join the dots and join the dots, तो यहाँ पे letter K हो रहा है, okay? तो ये आपको क्या करना है, सिर्फ join the dots करके letter K बनाना है, okay? Now next page. नेक्स्ट पेज होमवर्क, ट्रेस एंड राइट लेटर के, के फॉर काइट। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सिर्फ डॉट को ज्वाइन करके लेटर के बनाना है, ओके। तो इजी है ना सबको, क्या यहाँ पे वन स्टैंडिंग लाइन है, टू स्टैंडिंग लाइन है। नाउ टर्न द पेज, लुक हियर मैथ्स, ओके, स्क्वायर्स विथ ब्लू आर्टवर्क, यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर्स बनाना है, और वहाँ पे क्या बोले हमको कि ब्लू आर्टवर्क आपको यहाँ पे ब्लू यूज करके आर्ट, मतलब जो आपको, अगर आपके पास पॉसिबल नहीं होगा तो आप यहाँ पे पेपर भी यूज कर सकते हैं, या आप कलरिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ओके, जो आपको अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, डॉट डॉट दिए ना, तो ये सिर्फ डॉट डॉट ज्वाइन करके स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, कितने स्क्वायर है, देखो यहाँ पे 1, 2, 3 and 4, तो सिर्फ डॉट को ज्वाइन करके स्क्वायर बनाओ, ओके। और स्क्वायर बनाने के बाद, ओके, स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पे आप उसको कलरिंग करो, ओके, या तो आप पेपर यूज करो, और यहाँ पे पेपर स्टिक किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो आपको अवेलेबल मटेरियल है वो आप यूज करना है, ओके। सो टुडे डे 13 इज कंप्लीट। तो आज हमने क्या सीखा है, न्यू लेटर, लेटर के, तो सबको लर्न करना है और आपको भी प्रैक्टिस भी करनी है, ओके। सो बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू।